कर रहे हूँ भाई, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। क्या भूमिका? अच्छा, शेयर साउंड। नाइस नाइस, क्या बात है। गुड मॉर्निंग स्वरा, प्रेशा ऑल्सो इफ शी इज वॉचिंग। वेलकम बैक टू बायोलॉजी विद सारिक सर। आज हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड, इसको हम हिंदी में कहते हैं रीढ़ की हड्डी। चलिए, जोक का कोटा खत्म, अब पढ़ाई चलते। ठीक फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड आपका वो ओके। हाँ, सो वी विल फर्स्ट सी व्हाट इज अ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इज एन एक्सटेंशन ऑफ योर हाइंड ब्रेन, आपके पोस्टीरियर रीजन में रहता है। इट हैज फोर रीजन्स, सर्वाइकल, थोरासिक, लंबर, सेकल एंड कॉकिक्स ऑल्सो, बट कॉकिक्स इज कंसिडर्ड एज अ टेल। So when we see a spinal cord, you get two bulge, दो बल्ज दिखते हैं, मतलब कर्वेचर में दो बल्ज रहते हैं, ठीक है। ये एक थोरासिक का बल्ज, एक लंबर का बल्ज जो बाहर आता है ऐसे, तो फिर उसके नीचे वाला ऐसे अंदर जाएगा, यू विल गेट एन एस शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। ओके, लाइक द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड इज ऑल्सो कवर्ड बाय थ्री लेयर्स, ड्यूरा मैटर, आरेकनॉइड मैटर एंड पिया मैटर। वो पिया मैटर से जो सीएसएफ आएगा वो इसको भी सराउंड करेगा। आई होप दिस इज क्लियर। हाँ, इट इज अ कंटिन्यूएशन। प्लस आपके जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से होके वापस चले जाते हैं, ब्रेन तक नहीं जाते। जैसे कि ब्रेन से क्रेनियल नर्व्स आ रहे थे, 12 क्रेनियल नर्व्स होते हैं, वो ब्रेन से आ रहे थे। स्पाइनल कॉर्ड से अराउंड 30 और 31 स्पाइनल नर्व्स निकलते हैं ऑन ईच साइड, ठीक है, एंड दे ट्रैवल टू ऑल ऑफ द बॉडी, ठीक है, डे टू डे प्रोसेसेस कंट्रोल करते हैं। हाँ, जो दिस इज हाउ स्पाइनल कॉर्ड लुक्स, आप देखोगे। यू हैव द व्हाइट मैटर ऑन द पेरिफेरी, यू हैव द ग्रे मैटर इनसाइड, यू आर एबल टू अप्रिशिएट। दिस इज हाउ अ स्पाइनल कॉर्ड लुक्स इन द क्रॉस सेक्शन। हाँ, यस, एक वर्टेब्रे को ऐसे कट करोगे तो आपको ऐसे दिखेगा कि ये तो सॉफ्ट टिश्यू अंदर का, इसके बाहर हार्ड टिश्यू रहेगा। जो हम फोटो देख रहे थे अभी में वही था कि हाँ, ये देखो, दिस इज अ स्पाइनल कॉर्ड।
ये स्पाइनल कॉर्ड आपके वर्टेब्रल कॉलम के बीच में से जा रहा होगा। वर्टेब्रा देखा है ना आप लोगों ने? नहीं देखा? लैपटॉप है ना, अंदर भी चल रहा है, क्या दबाव क्या जाता है। अच्छा अब ये फोटो को और ये नेक्स्ट फोटो को कंपेयर करो। ये आपका एक वर्टेब्रल कॉलम है, एक वर्टेब्रा, एक वर्टेब्रा। ये वर्टेब्रा को आप क्रॉस सेक्शन में काट रहे हो, ठीक है? ठीक है, तो आपको मिल रहा है दिस, ये जो है ना, ये इतना पोर्शन ही स्पाइनल कॉर्ड है, और ये जो निकल रहे हैं ये स्पाइनल नर्व्स ऊपर से, ठीक है? सो नाउ दिस पोर्शन, अब ये वेंट्रल, ये पोस्टीरियर हो जाता है। ये जो प्रोसेस है ये आपको फील भी होता है, ये जो प्रोसेस यू फील, दैट्स व्हाट यू फील। नाउ इन दैट बोन, इन द मिडल पोर्शन देयर इज दिस स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इज कवर्ड बाय थ्री लेयर्स, ये देखो, ड्यूरा, एरेक्नॉइड, पिया मेटर। ये पिया मेटर के पास CSF होगा, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो ब्रेन के अराउंड भी रहता है। देन यू हैव द स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ। ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, अब इसको अगर जूम करके देखेंगे तो आपको कुछ ये मिलेगा, ये। तो यू हैव व्हाइट मैटर इन द पेरिफेरी, यू हैव द ग्रे मैटर इनसाइड, ठीक है? दिस इज द वेंट्रल हॉर्न, वेंट्रल मतलब आगे का साइड, दिस इज द डॉर्सल हॉर्न। ये आपका डॉर्सल हॉर्न, ये आपका वेंट्रल हॉर्न। हाँ, ग्रे मैटर को, नॉट व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर तो ये पेरिफेरी पोर्शन, जो मिडल पोर्शन है वो ग्रे मैटर। वेंट्रल मतलब आगे, आगे फ्रंट, वो हॉर्न जैसे नर्व्स का पोर्शन जा रहा है। ठीक है, अब ये जो वेंट्रल है, वेंट्रल में से ये एंटीरियर रूट निकलेगा, इससे पोस्टीरियर रूट निकलेगा, नॉट सो इम्पोर्टेंट इन योर सिलेबस। ये देखो, ड्यूरा, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर, पिया मैटर, तो लेयर बाय लेयर निकाल के बताया। हाँ, सो दिस इज हाउ अवर स्पाइनल कॉर्ड एंड वर्टेब्रा आर प्लेस्ड। ओके, आपको एग्जाम में ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज आरटीएस और स्पाइनल कॉर्ड, ये वाला नहीं, टेक्सबुक, टेक्सबुक में है राइट, ये टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इसमें आप नोटिस करोगे तो दिस इज द वेंट्रल रूट जो हम अभी देख रहे थे, वेंट्रल हॉर्न जा रहा था, ठीक है? ये डॉर्सल रूट, और उससे डॉर्सल हॉर्न और डॉर्सल रूट और डॉर्सल नर्व निकल रहे थे। ये आपका ग्रे मैटर, ये आपका सेंट्रल कनाल, और ये आपका व्हाइट मैटर। ये बाहर आपके स्पेस रहेंगे, ये इसमें आपका ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर, पिया मैटर सब आ जाएंगे बाहर बाहर, ये व्हाइट मैटर के बाहर, ये। ठीक है, स्टार्ट रीडिंग लगा तो हम डिस्कस करेंगे। स्पाइनल कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल ऑब्वियसली, पेरिफेरल में सारे नर्व्स आते हैं, एंड फॉर्म्स अ लोअर एक्सटेंशन ऑफ द मेडुला ऑब्लॉन्गेटा ऑफ द ब्रेन। हाइंड ब्रेन में मोर स्पेसिफिकली मेडुला का एक्सटेंशन है। लाइक द ब्रेन, इट इज कवर्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय बोनी कवरिंग एंड मेम्ब्रेन्स। इट लाइज विद इन द न्यूरल कनाल ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम। जो स्पेस था वर्टेब्रल कॉलम के बीच में, उसको न्यूरल कनाल बोलते हैं। एंड इज सराउंडेड बाय थ्री मेनिंजेस, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर, पिया मैटर। द सीएसएफ सीक्रेट बाय पिया मैटर फॉर्म्स अ फ्लूइड कुशन अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड एंड विद इन इट इनसाइड द सेंट्रल कैनाल। सेंट्रल कैनाल इसकी बात कर रहे हैं, बीच बीच वाले बोल। एक्सटर्नली द क्या, स्पाइन, सेंट्रल कनाल एकदम बीच में जो बोलते हैं। एक्सटर्नली द स्पाइनल कॉर्ड अपीयर्स एज लॉन्ग सिलिंड्रिकल रॉड 40 to 45 एम एम। स्पाइनल कॉर्ड इज ब्रॉडिश एट इट्स एंटीरियर एंड ग्रेजुअली टेपर्स इनटू कॉनस मेडुलरिस एंड कंटिन्यूज एज अ थ्रेड लाइक फाइलम टर्मिनल एंड पोस्टीरियर। दिस फाइलम टर्मिनल आपको फोटो में दिखा, नीचे की बात,
फाइलम टर्मिनल नीचे वाला पोर्शन में प्रॉफिट। ये देखो जिस लास्ट पोर्शन जहां पे एक कॉकिक्स वाला बोन आएगा ना, इसको हम फाइलम टर्मिनल बोलेंगे। सर्वाइकल 8 होते हैं, लंबार 12 होता है, थोरासिक और सर्वाइकल थोरासिक, सर्वाइकल 8, थोरासिक 12, लंबार 5, सेक्रल 5 और कॉकिक्स 1, ऐसे रहता है। तो L1, L2, L3 दैट डिनोट्स द नंबर, मतलब लंबार के जो 5 है उसमें L1, L2, L3, L4, L5, वो L1 डिनोट्स द प्लेस, नंबर नीचे सर्वाइकल थोरासिक लंबार से। लंबा किंचस्तु नीचे लंबा किंचर्स टू, व्हाट व्हाट दे आर सेइंग इज स्पाइनल कॉर्ड टेपर्स इनटू कॉनस मेडुलारिस L1 N2, मतलब L1 N2 में जाके नैरो हो रहा है एंड कंटिन्यूज एज अ थ्रेड लाइक फाइलम टर्मिनल। ठीक है, स्पेस स्पाइनल कॉर्ड शोज टू स्वेलिंग्स अलोंग इट्स लेंथ कॉल्ड द सर्वाइकल एंड द लंबार स्वेलिंग। अब वो लोग स्वेलिंग मतलब अंदर की स्वेलिंग को काउंट कर रहे हैं, सर्वाइकल अंदर जाता है कॉनकेव होता है, लंबार भी कॉनकेव होता है, सर्वाइकल थोरासिक लंबार एंड सेक्रल ऐसे। हाँ, 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स अराइज फ्रॉम द लैटरल साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। पेयर्स हर एक से दो जाते हैं, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट दोनों। दीज नर्व्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द रीजन ऑफ सर्वाइकल एंड लंबार स्वेलिंग एंड अराउंड द कॉनस मेडुलारिस। हाँ, सर्वाइकल और लंबार ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड। द बंच ऑफ नर्व्स इन द हाइंड पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड अलॉन्ग विद फाइलम टर्मिनल अपीयर लाइक अ हॉस्टाइल सो कॉल्ड कॉडा इक्विना। मतलब जो नर्व्स अंदर इससे पतले बन जा रहे हैं वो हॉस्टाइल की तरह दिखते हैं, उसको हम कॉडा इक्विना बोलते हैं, फैंसी नाम दिया, सेम थिंग। दिस पोर्शन, ये जो एंड पोर्शन रहता है, दिस लास्ट का पोर्शन, क्या अभी हम नर्व्स की बात करें, पहले हम पूरे स्पाइनल कॉर्ड की बात। टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, द स्पाइनल कॉर्ड इज डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, एक साइड फ्लैट है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीप नैरो पोस्टीरियर फिशर एंड शैलो ब्रॉड एंटीरियर फिशर। ये देखो डॉर्सल पीछे है, देखो एंटीरियर मीडियम फिशर थोड़ा बड़ा है, ब्रॉड है, पोस्टीरियर थोड़ा स्मॉल है, पीछे पीछे पोस्टीरियर भी बोल सकते, पोस्टीरियर इन जनरल मीनिंग होता है पीछे की। हाँ, ये लाइन की बात करें, सेंट्रल कनाल कैन बी सीन इन द सेंटर, द फिशर डिवाइड्स द स्पाइनल कॉर्ड इनकम्प्लीटली इनटू राइट एंड लेफ्ट साइड, द ग्रे मैटर इज समवॉट एच शेप और बटरफ्लाई शेप। ठीक है, ग्रे मैटर इसकी बात करते हैं, इज ऑन द इनर साइड व्हाइल द व्हाइट मैटर इज ऑन द आउटर साइड, द फिशर्स डिवाइड द ग्रे मैटर इनटू सिक्स हॉर्न्स। ये देखो इसमें ना 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, समझा, ये दो को भी गिन दे, ये जो बीच के दो बल्ज है ना इसको भी गिन दे, 2, 4, 6 हो गए। तो द ग्रे मैटर इज, हाँ ऐसे एक लेफ्ट में एक राइट में, द फिशर डिवाइड इन सिक्स हॉर्न्स नेमली डॉर्सल लैटरल वेंट्रल व्हाइल द व्हाइट मैटर इज डिवाइडेड इनटू सिक्स कॉलम्स ऑफ फ्यूनिकुलम, ऑब्वियसली 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये फिशर 2, 3, 4, 5, 6 व्हाइट मैटर, नॉट सो इम्पोर्टेंट, बस नाम याद रख। द डॉर्सल एंड वेंट्रल हॉर्न्स एक्सटेंड आउट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज डॉर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट रिस्पेक्टिवली, ऑफ दिस द डॉर्सल रूट इज कनेक्टेड टू द डॉर्सल रूट गैंग्लियन, एक गैंग्लियन रहता है
डॉर्सल रूट के जस्ट एंड पे, उससे कनेक्टेड है, ऐसे मिक्सचर एंड कनेक्शन ऑफ नर्व्स, जहाँ पे नर्व्स काफी सारे मीट हो रहे होते हैं, सो गैंग्लियन बोलते हैं इन जनरल, तो गैंग्लियन होता है। इट हैज एन एग्रीगेशन ऑफ यूनिपोलर सेंसरी न्यूरॉन। यूनिपोलर मतलब एक ही डायरेक्शन में जाएगा, दोनों डायरेक्शन में नहीं जाएगा। बाइपोलर आपके रेटिना में रहता है, आईज में, जहाँ पे दोनों वे में इम्पल्स जा सकता है। यूनिपोलर मतलब एक ही डायरेक्शन में जाएगा। यूनिपोलर सेंसरी इम्पल्स मतलब आपका सेंसरी इनपुट जाके देगा। तो डॉर्सल में क्या आया? सेंसरी। ठीक है, द एसोसिएशन ऑफ इंटर न्यूरॉन्स लाई इनसाइड द ग्रे मैटर, दे रिसीव सिग्नल फ्रॉम द सेंसरी नर्व इंटीग्रेटेड एंड डायरेक्टेड टू रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द मोटर न्यूरॉन्स लाइंग टुवर्ड्स द वेंट्रल हॉर्न। तो डॉर्सल में सेंसरी आ गया, वेंट्रल में मोटर आ गया। वहां पे ऐसे शॉर्ट में साइड पे लिख, डॉक्टर सेंसरी वेंट्रल में मोटर, डॉर्सल रूट इज वॉकिंग टुवर्ड्स सेंसरी पार्ट, द वेंट्रल रूट इज वॉकिंग टुवर्ड्स द मोटर पार्ट, एंड द लैटरल हॉर्न्स हैव न्यूरॉन्स ऑफ ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम। आई होप आप लोग को ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम पता है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो सिस्टम। द नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम दीज न्यूरॉन्स एमर्ज आउट फ्रॉम द वेंट्रल न्यूरो रूट ऑफ स्पाइनल नर्व। द व्हाइट मैटर कंसिस्ट मेनली ऑफ बंडल्स ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर। अंडरलाइन करो माइलिनेटेड। द असेंडिंग ट्रैक्स कंडक्ट सेंसरी इंपल्सिस फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू द ब्रेन एंड दीज लाइन द डॉर्सल फिनिकुलर। ऑब्वियसली डॉर्सल सेंसरी से डील कर रहा है ना, सेंसरी इनपुट जाके दे रहा है। द असेंडिंग ट्रैक्स कंडक्ट सेंसरी इंपल्सिस फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू द ब्रेन एंड लाइन द डॉर्सल, हाँ कॉलम, कॉलम की बात कर रहे, हॉर्न की बात नहीं कर रहे, कॉलम। हाँ, ऊपर असेंडिंग मतलब आ रहा, डिसेंडिंग नीचे आएगा। द डिसेंडिंग ट्रैक्स कंडक्ट मोटर इंपल्सिस फ्रॉम ब्रेन टू द लैटरल एंड वेंट्रल फेनिकुला ऑफ द स्पाइनल। अरे असेंडिंग ट्रैक्स मतलब वो ऊपर जा रहा है, असेंड कर रहा है। द इम्पल्स द नर्व्स, वो सेंसरी इम्पल्स किसको कैरी कर रहा है? ब्रेन तक लेके जा रहा है। द वेंट्रल एंड द लैटरल, ये दोनों मोटर नर्व्स कैरी कर रहे हैं डिसेंडिंग ट्रैक में, डिसेंडिंग में जाने वाला ट्रैक। ठीक है, लेके आ रहा है, सेंसरी इनपुट आता है ना, ज्यादा थोड़ी है ना, सेंसरी आएगा ऑलवेज, मोटर जाएगा ब्रेन की तरफ, इन ऊपर जाएगा ना, असेंडिंग कर। द डॉर्सल हम देखे ना सेंसरी पार्ट से डील कर रहा है, दैट्स व्हाट यू रिमेम्बर। द सानिया समझा आपको लग रही है? ये ब्रेन तो लैटरल जा रहा है, तो बीच में तो एक्चुअली निकलेगा ना वहां से, हम यही तो फोटो देख रहे थे अभी, कि वहीं से निकलेगा ये। इफ यू सी, ये देखो, ये आ गया आपका पोस्टीरियर रूट डॉर्सल, ये क्या करेगा? सेंसरी एंटीरियर पूरा मोटर से डील करेगा, ब्रेन से इंपल्स आया मोटर की तरफ, ऊपर से आएगा ना वो डिसेंडिंग ट्रैक से आएगा, डिसेंडिंग ट्रैक से एंटीरियर रूट से निकलेगा और जाएगा, ये पोस्टीरियर रूट से सेंसरी इंपल्स कैरी करके इसको देगा जो असेंडिंग ट्रैक से ऊपर जाएगा। फंक्शंस, द स्पाइनल कॉर्ड इज द मेन सेंटर फॉर द मोस्ट रिफ्लेक्स एक्शन, इट प्रोवाइड्स पाथवे फॉर कंडक्शन ऑफ सेंसरी एंड मोटर इंपल्सिस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, इट प्रोवाइड्स नर्वस कनेक्शन टू मेनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑब्वियसली। हाँ, अब ये नर्व्स के नाम आप लोग को पता होना चाहिए, इजी है याद करना, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्लिमोटर, हम तो ट्रॉक्लियर पढ़ते थे इधर, पथेटिक लिखा है इधर, क्यों लिखा? हाँ, इसका नाम मेडिकल बुक्स में अलग है, ट्रॉक्लियर ट्राइजमाइनल, ट्राइजमाइनल अपना डेंटिस्ट का नर्व है, पूरे फेस को कवर करता है। एब्ड्यूसेंस आपका आई के मसल्स को मैनेज करता है, फेशियल नर्व जो है फेशियल मसल को कैरी करता हेलो
ट्राइजेमाइनल आपका जॉ, आपका टीथ, आपका नोज, ये सब, बट फेशियल सिर्फ फेशियल मसल्स की बात कर रहे हैं, ये जो हमारे मसल्स है सारे जिससे हम स्माइल करते हैं, ये करते हैं, सब उससे होता है। कितनी बार फेशियल नर्व पे जब इंजरी होता है एक साइड पे, तो वो साइड के मसल्स काम करना बंद कर देते हैं, आपका सेंसरी इनपुट चालू रहता है, टीथ पेन, साइनस पेन, सब चालू रहता है, बट मसल्स काम नहीं करते बिकॉज फेशियल नर्व इज अफेक्टेड। और फेशियल नर्व कहाँ से निकलता है? यहाँ से निकलता है, जस्ट अबाउट योर, यहाँ से ऐसे ब्रांच आउट होता है ऐसे करके। हाँ, इंजरी योर विल लीड टू फेशियल मसल पैरालिसिस। कितनी बार योर इन्फेक्शन में थोड़ा इफेक्ट आता है? हाँ, आइस ब्लिंक ही नहीं कर पाना, क्लोज ही नहीं होता है, फिर आँख पे पट्टी मारना पड़ता है गीला करके। ऑडिटरी आपका ईयर, ग्लॉसोफेरेंजल आपका टंग, टंग विल बी कंट्रोल बाय ग्लॉसोफेरेंजल एंड हाइपोग्लोसल भी आएगा, हाइपोग्लोसल ऑल्सो, टंग मसल्स हाइपोग्लोसल करता है, और टंग का जो कुछ पोर्शन है टेस्ट का एंड लैटर साइड का वो ग्लॉसोफेरेंजल करेगा। वेगस इज जनरल, वो ऑलमोस्ट सब जगह ही रहता है, ठीक है। स्पाइनल एक्सेसरी आपके नेक और मसल्स के रिफ्लेक्सेस। एक सेकेंड, वन सेकेंड, गिव मी 2 मिनट्स। क्या 5 बजे बाहर जाना है? अभी जा रहा हूँ मैं, यहाँ से डायरेक्ट बम्बई जा रहा हूँ। क्या खाने? आजकल खाने नहीं जाता मैं, दादर जाता हूँ। अरे सौरा, मैं थाने नहीं जाता हूं। क्या नहीं, दादर पे जॉब है ना, मैं गया था एक बार, यहाँ का लेक्चर कैंसिल करके गया, मजा आया। यू रीच अ सर्टन पॉइंट इन योर लाइफ।
ये स्पाइनल, ये जो क्रेनियल नर्व्स है, इसके नाम आप लोग को एटलीस्ट पता होना चाहिए। अगर आपका दिमाग थोड़ा चलता है, एंड वैसे चलता है, ठीक है, इसमें ना कुछ सेंसरी नर्व्स है, जैसे 1, 2 और 8, 1, 2 और 8, सॉरी सेंसरी सेंसरी सेंसरी, हाँ 1, 2 एंड 8, 8 ऑडिटरी, ये 3 सेंसरी है। ऐसे करके याद करने का कि कौन से सेंसरी है, कौन से मोटर है, कौन से मिक्स्ड है। बोर्ड्स के लेवल पे आई डोंट थिंक ये कोई भी आपको पूछेगा, पता हो तो अच्छा है, मतलब कभी कोई सरकारी बाबू अच्छा आ गया तो पूछ लेगा ऐसे, दोनों सेंसरी मोटर दोनों। हाँ यहाँ पे दिया है, वेरी नाइस, दीज आर क्लासिफाइड एज सेंसरी 1, 2 एंड 8, मोटर 3, 4, 6, 11, 12, मिक्स्ड इज 5, 7, 9, 10। याद हुआ तो बहुत अच्छा है, बट नाम आपको पता होना चाहिए, कौन सा नर्व का क्या नाम है, वो मिक्स नहीं करना, ठीक है। स्पाइनल नर्व, स्पाइनल एमनियन जो एमनियन के साथ होते हैं, क्या हाँ क्या बोल रहा, हाँ और ये सब क्या 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 नहीं, इसमें कुछ नहीं समझ रहा आप क्या पूछ क्या क्रेनियल नर्व्स आपके ब्रेन से निकल रहे हैं, हाँ स्पाइनल नर्व्स आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे हैं। ऐसे होता है कि स्पाइनल कॉर्ड में कोई ऐसा नाम स्पेसिफिक नहीं रहता है। स्पाइनल कॉर्ड में ना हमने देखा डॉर्सल पार्ट सेंसरी, वेंट्रल मोटर, और जो लैटरल है वो ऑटोनॉमिक से डील करता है, तो सबसे डील करता है। कौन सा मिक्स्ड नर्व ना, क्रेनियल नर्व, हाँ तो मतलब वो सेंसरी मोटर काम दोनों करेगा, हाँ क्योंकि सब कर दो, एक ही नर्व, एक ही लेवल का नर्व, जैसे समझो थोरासिक का पहला नर्व, वो आपका सेंसरी काम भी करेगा, मोटर काम भी करेगा, ऑटोनॉमिक काम भी करेगा, सब करेगा। ब्लू Why is it throwing लाइट blue light there? नॉट तारपत्री गोइंग कमल वो तारपत्री, आउट अब प्लास्टिक रूफ, ओके तो हमारे घर पे बोल लिया कोई नहीं, पूरा फेशियल ना हिल जाएगा ऐसा ये बात कर मैं तो ये बैंक वालों से भी इंग्लिश बात करता हूँ, मेरी मम्मी ऐसे बोले तू मराठी में बात कर, मजा नहीं बात कर। इंग्लिश यही नाइस, ऐसे होना चाहिए, मैं तो मराठी मिक्स करता हूँ बीच में ला दूँ, ऐसा कोई बताए तो हाँ बोलने का था, हाउ हाउ कोर महाराष्ट्र जो रहते ना लातूर नांदेड़ साइड, दे स्पीक हाउ नॉट हो, हो भी नहीं बोलते, हाउ बोलते। हाउ आपको ऐसे एकदम ऐसे कोर महाराष्ट्र वाइब्स, नहीं सोगो महाराष्ट्र ऐसा था हमारे क्लास में, उसको हम कितनी बार यही बोलते थे, यही हो, यू शुड स्पीक लाइक दैट एवरी सिंगल टाइम, आती हो कोर महाराष्ट्र ने हो
बट वो बोलते बोलते ऐसे हो जाता था, हमें थोड़ा डाउट रहता था क्या चल रहा है। हाँ आई मीन एनी नॉर्मल पर्सन वुड नॉट डू दैट। ऐसे अपन मैं पूछूंगा तुम्हारा पाइजेगा, तो मैं ऐसे पूछूंगा ना तुम्हारा पाइजेगा, तो पाइजेगा हाँ भाई क्या कर रहा है, वाई वाई मैं ही इसकी एक्टिंग करता था क्लास में। क्लास में आई वाज द ओनली वन हु यूज्ड टू दिस एक्ट लाइक। अच्छा मैं कैंटीन जाता था, मैं किसी के भी टेबल पे जाता था, पानी कहाँ है मुझे समझ आता, मेरे को नाम नहीं, मेरे को बोलना नहीं पड़ता था, यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम स्पीकिंग। चाहते रहते हैं ये भी गिरी। चलो भाई लैपटॉप ये गिरा तो गया, ऑलरेडी आधे कीज नहीं चल रहा क्या वो कौन ऐसे जो मिक्स रहते वो आते हैं, जो मिक्स नहीं रहते वो नहीं आते। मोटर वाले तो जाते हैं, सेंसरी आएगी, जो मिक्स रहेगा वो आएगी। कनेक्शन रहेगा बस डायरेक्शन स्पेसिफाई करना पड़ेगा, कनेक्शन तो सबका ही रहेगा। 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स ओरिजिनेट, they are mixed nerves and they provide two-way communication between spinal cord and the part of the upper and lower limbs, neck and trunk. मतलब जो जो लेवल पर रहेगा उस लेवल पर वो नर्व्स डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है? जैसे आपका जो सर्वाइकल रहता है, सर्वाइकल पोर्शन गिव्स अवे दिस, यहाँ पे एक पोर्शन रहता है स्पाइनल नर्व्स का, सब बंच रहता है जो आपके पूरे लिम्स के मसल्स को सेंसरी इनपुट सब कुछ वही कोऑर्डिनेट करता है सर्वाइकल लेवल, क्योंकि सर्वाइकल लेवल यही लेवल करता है ना इसीलिए। देन थोरैसिक, देन लंबा, हाँ नम हो जाता है। आई हैड अ कंडीशन, आई हैड वेरी स्मॉल लाइक वर्टेब्रा हैड जस्ट मूव्ड अ लिटिल, तो एक नर्व प्रेस हो रहा था। इट वाज ड्यू टू ऑक्यूपेशन आल्सो, वी वर वर्किंग वेरी लॉन्ग लॉन्ग आवर्स, तो मुझे ऐसे फिंगर्स पे टिंगलिंग आ रहा था। इट वेंट अवे विद एक्सरसाइज, हाँ बिकॉज पूरा सेंसरी इनपुट यहीं से आता है ना, ऐसे ऐसे जम जाते ना, एक साइड पर बैठ जाओ तो पूरा ऐसा हाथ जम जाता था, वैसा हो जाता। फिर आते हम, ये अटक गया। सो 8-12-5-5-1 ये आपको याद रखना है, सर्वाइकल थोरैसिक लंबा सेकल कॉपी के। ये याद रखना है, ट्राइजेमाइनल इज द लार्जेस्ट क्रैनियल नर्व, एब्ड्यूसेंस इज द स्मॉलेस्ट क्रैनियल, लार्जेस्ट बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत सारे गैंग्लियन होते हैं। वेगस सब जगह, वेगस इज ऑलमोस्ट एवरीवेयर, वो सारे ऑर्गन्स को इंटरनली भी सेंसरी इनपुट लाते रहता है, मोटर करवाते रहता है, वेगस इज वेरी मच ब्रांच्ड। Formation. All spinal nerves are the mixed type. They have some nerve fiber as sensory and some motor. Each spinal nerve is formed inside a neural canal of vertebral column, जो canal था vertebra के बीच में, by two roots, the posterior or the dorsal sensory root. हमने देखा था dorsal sensory and anterior ventral root. Anterior root receives the sensory nerve from the dorsal root ganglion. ठीक है? Anterior root receives the sensory nerve from the dorsal root ganglion, okay? While the anterior ventral root gives out the motor nerve,
ये बाहर की बात हो रही है। देखो तो यहां क्या लिखा है, एंटीरियर रूट, ठीक है, रिसीव्स द सेंसरी नर्व फ्रॉम द डॉर्सल रूट गैंग्लियन। ये फोटो हमने जो लिखा, हाँ दे आर ऑल कनेक्टेड ना, योर आउटसाइड सेंसरी और मोटर हो सब कनेक्टेड ही है। यस, व्हाइल द एंटीरियर वेंट्रल रूट गिव्स आउट द मोटर नर्व, द डॉग। हाँ ले लो, इसको व्हाट्सएप चालू है इसमें, सर का है क्या? चल क्यों नहीं रहा, चल ना। सर को कुछ मैसेज आएगा तो हमें दिख जाएगा, रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड भी हो जाएगा। सर आप बगैर चिन्हिया पर्सनल इंफॉर्मेशन आए हैं। सर को कुछ भी आता है, वी डोंट नो क्या माय। हेलो, चलो चलो, हाँ, द डॉर्सल सेंसरी एंड द वेंट्रल मोटर टुगेदर फॉर्म्स अ मिक्स्ड नर्व। इट एमर्जेस आउट फ्रॉम बोथ द साइड्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द इंटरवर्टेब्रल फोरामेन। एज सून एज इट एमर्जेस आउट ऑफ वर्टेब्रल कॉलम इट शोज थ्री ब्रांचेस, मतलब साइड से ब्रांच निकलेगा उसका दोनों ऐसे, रैमस डॉर्सालिस, रैमस वेंट्रलिस, रैमस कम्युनिकेंस। अब ये देखो क्या होता है, अगर ये डॉर्सल है तो यहाँ से सेंसरी निकला, यहाँ से वेंट्रल निकला, ये दोनों आगे जाके मीट हो गए। ये मीट होने के बाद ये जो स्पाइनल नर्व बनेगा इसके तीन ब्रांचेस हो गए, रैमस डॉर्सालिस, रैमस वेंट्रलिस एंड रैमस कम्युनिकेंस। कम्युनिकेंस जो रहता है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से कोऑर्डिनेट होता है, द स्मॉलेस्ट ऑफ द थ्री एंड गिवन आउट फ्रॉम द फर्स्ट थोरैसिक अप टू द थर्ड लंबार। फर्स्ट से थर्ड लंबार तक ही निकलता है, इट थोरैसिक फाइव, हाँ लंबार फाइव, सर्वाइकल एट, 8, 12, 5, 5.
थोरैसिक लंबा, ठीक, थोरैसिक 12, तो फर्स्ट थोरैसिक टू थर्ड लंबार इट जॉइंस द सिंपैथेटिक गैंग्लिया। सिंपैथेटिक कौन सा? जो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, हार्ट रेट बढ़ाता है, आपका ब्लैडर में से यूरिन निकाल देता है, जो जो चीज आपके तमिल मूवीज में विलन के साथ होती है, हीरो को देख के, वो सब होता है। हाँ ऐसे ही याद रखा था हमने। उसमें ऐसे ही होता है, आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, आपका हार्ट रेट इंक्रीज होगा, आपकी आईज डायलेट होगी, ऐसे डायलेट होगी, और ब्लैडर यूरिन छोड़ देगा, वो नहीं कैंडील हो जाएगी। अरे दैट्स व्हाई यू रिमेंबर सिंपैथेटिक। आएगा आगे, देखो आई लैंड टेक योर लीड देन टेल मी ट्रामस डोर्सालिस फ्रॉम स्किन एंड टू मसल्स ऑफ डोर्सल साइड द लार्जेस्ट ऑफ द थ्री सप्लाइज द ऑर्गन्स एंड मसल्स ऑन लैटरल एंड एंटीरियर साइड वेंट्रलिस पीछे आपके बैक के। तीन ब्रांचेस निकल, अभी रिफ्लेक्स एक्शन हम नहीं पढ़ रहे, अभी हो चुके हैं। नहीं रिफ्लेक्स एक्शन इम्पोर्टेंट है, आपको एग्जाम में आता ही है, आता ही है। हाँ आया, देखो सिंपैथेटिक, देखो होना चाहिए टेबल, यस, ये देखो हार्ट बीट इंक्रीजेस, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट, आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस, प्यूपिल एफ आई डायलेट्स, रिटार्ड पेरिस्टासिस, खाना गले से नहीं उतरेगा, पैंट गीली हो जाएगी। अरे एकदम टेंशन में रहते ना तो खाना गले से नहीं उतरता है, खा खा करते रहते हो, ऐसा बोलते टेंशन में खाना नहीं खाने का, दैट्स सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम राइट, एंड रिलैक्सेस द ब्लड, मतलब रिलैक्स इज ब्लैडर से आपका यूरिन निकलेगा नहीं, बट दैट्स हाउ यू रिमेम्बर के रिलैक्स इज। कहिए बोल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब आपको ब्रेन, आपका स्पाइनल कॉर्ड, इसमें जो नर्व्स है ये सारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं। पीएनएस मतलब उनसे जो नर्व्स निकल रहे हैं, पीएनएस। ऑटोनोमस मतलब जो सारे ऑटोनॉमिक काम कंट्रोल कर रहा है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक बेस है, वो सारा ऑटोनॉमिक में आ जाएगा, ठीक कर लेना। चलो इट इज अ सडन, श्योर ए फ्रेंड डी फ्रेंड पता है, देख रहा था कितना कंफर्म कर रही। ठीक है ठीक है, ओके ठीक बात। इधर है नीचे नीचे नीचे, हाँ, क्योंकि पीएनएस हम क्या बोलते हैं, पीएनएस वो पोर्शन है जो क्रेनियल और स्पाइनल से निकलते हैं ना, उसको सबको पीएनएस बोलते हैं। हम ऑटोनॉमिक को वो सिस्टम बोलते हैं, ऑटोनॉमिक को हम सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक डिवाइड कर देते हैं, हम बोलते हैं कि जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा उस हिसाब से ये एक्शन करेगा, सारे इनवॉलंटरी फंक्शन करवाएंगे। बट कुछ स्टडीज में ऐसा भी है कि ये काम पीएनएस भी करता है, ये सब काम पीएनएस भी करेगा, तो व्हाई जस्ट नॉट इंक्लूड, अलग से रखा है, पर Nowadays we consider, हाँ, सोमैटिक कंट्रोल में, आपके आपके कंट्रोल में। ये देखो ऑटोनॉमिक मतलब इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स एंड स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी, ये पूरा जो बताया था डायग्राम में पूरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, आपका हार्ट बीट, सलाइवा, टीयर्स, टीयर्स भी दोनों में आता है। हाँ ऑटोनॉमिक के अंदर पैरासिम्पेथेटिक सिंपेथेटिक दोनों आते हैं, सिंपेथेटिक आपका ये फंक्शन करेगा जो मैं बताया अभी। हाँ उसके बाद उसका वो रिवर्स होता है, नॉर्मल स्टेट पे आता अच्छा
अरे ये याद रखना, ये एक चीज डायलेट करता है ये ब्राउन का। डायरेक्ट ये देखो बाकी सब चीजों में ये क्या करता है, प्यूपिल्स डायलेट, सिक्रेशन ऑफ टीयर्स, हार्ट बीट बढ़ाना, प्रेशर बढ़ाना, सब कुछ बढ़ा देना, ठीक है। प्लस आपका कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन, ये आप ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में, फिर ये इनहिबिट्स पेरिस्टाल्सिस, ये सब, पर ये चीज डायलेट करता है, डायलेट ब्रोंका है, डायलेट प्यूपिल्स एंड डायलेट द रिलैक्स द ब्लैडर सिंपथेटिक। से आपका एयर ज्यादा अंदर जाएगा ना। कॉन्स्ट्रिक्स मतलब okay। अब ये एडिनर्जी के सब आप नहीं कर सकते। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का डिफरेंस आप याद कर लेना। ठीक है, घर पे से रीड करके आना, अगर कुछ रहा तो मैं बता दूँ, ठीक है। ये रिसेप्टर्स का क्लासिफिकेशन आप डायरेक्ट पढ़ सकते हो, इजी इजी है। फोनो मतलब फोन, मतलब ईयर। स्टार्टो मतलब आपका बैलेंस कंट्रोल करने वाला, ठीक है। फोटो रिसेप्टर्स आई, थर्मो स्किन, मैकेनो स्किन, हीट हीट और कोल्ड। मैकेनो मतलब आपका टच सेंसेशन रहेगा। कीमो में क्या आएगा, आपका टंग आएगा और ऑल्फैक्ट्री आएगा, आप क्या स्मेल करते हो, ठीक है। फिर आते हैं, ये तो एक्सटर्नल रिसेप्टर्स थे, अभी आते हैं इंटरनल रिसेप्टर्स। फिर ये इंटरनल रिसेप्टर्स, अभी जैसे इंटरनल ऑर्गन्स कैसे काम कर रहे हैं, क्या हो रहा है, वो सब आपको फील होगा। प्रोपियो मतलब आपका जॉइंट्स, मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स, ये सब आएगा। आपको मसल्स कहाँ कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहे, कहाँ जा रहे, मसल कौन सा ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है, टेंडन कौन सा स्ट्रेच हो, सब मालूम पड़ता है। पैरो मतलब आपका ब्लड प्रेशर। पैरो रिसेप्टर्स आपके कैरोटिड आर्टरी में रहते हैं मेन, वहां पे अगर प्रेशर कम या ज्यादा हुआ तो उस हिसाब से एड्रेनालिन रिलीज होता है। बिल रिसेप्टर्स, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन आपको याद करना है, कभी कभी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ जाता है। अब हम आते हैं आईज पे। आप लोग रीड करना चालू करो। देखो क्यों आंखें आर अ पेयर ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स ऑफ विजन, दे आर लोकेटेड इन द ऑर्बिट ऑफ स्कल। ईच आंख इज अ स्फेरिकल राउंडेड एंड कॉल्ड आई बॉल। आंख बॉल द आंख आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम मूवमेंट ऑफ आंखें विद इन द ऑर्बिट इज कंट्रोल्ड बाय सिक्स सेट ऑफ मसल्स। मतलब जितना बॉलीवुड ने आंखों को रोमांटिसाइज किया है ना, वो सब एक पैराग्राफ में निकल जाएगा। ठीक वो बोलते हैं ना, गुलाबी आंखें तेरी देखी, गुलाबी नहीं है मतलब तेरी आंख में ब्लड भर गया, जाके चेक करो पागल आदमी। अगर तेरी वाइफ और तेरे पार्टनर की आंखें गुलाबी है, भाई बीमार है वो, बीमार। अच्छा फिर वो गाना है ना, तुम आंखों से बताना हम रिसेप्टर ही नहीं भाई, तू आंखों से क्या समझेगा। तेरी आंखें या ब्रेन, तेरा ब्रेन ही तेरे क्या। ऑल द रोमांटिसिज्म ऑफ द आईज गोस गोस अवे। रीड करो, वी स्टार्ट इन 5 मिनट्स। वही ना, वही तो जो बोलता कि हम खुशबू से पहचान लेंगे हम, और कोई सही नहीं, लाइक नो
बोल रही हूँ। पीछे के बैठ कौन? व्हाइट कलर वाला व्हाइट बिल्कुल ये पूरा सोलन हो जाता है विद द आयरिस ऑल्सो द एंटायर थिंग गेट्स सोलन।
द फ्रंट पोर्शन, दिस पोर्शन यू सी, दिस गेट्स स्वोलन, यहां से लेके यहां तक। हाँ ये पूरा, हाँ ये पूरा इन्फ्लेम्ड हो जाता, स्वोलन तो पूरा कवर कर लेता। देखो ये पोर्शन, फिर ये पोर्शन, फिर ये पोर्शन, ऐसा उन्होंने आर्टिफिशियली डिवाइड किया है। वन पोर्शन इज हियर जस्ट नियर द लेंस, वन पोर्शन इज हियर एंड देन वन पोर्शन इज हियर। दे हैव कुछ तो बोलते बोलो। ठीक है, सिलियरी बॉडी इंपॉर्टेंट है, इट इज अ थिक मस्कुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर एट द जंक्शन ऑफ कोरॉइड एंड आयरिस। ये देखो इधर जस्ट हियर, यहाँ पे लेंस के आगे है ना, वो इंपॉर्टेंट है सिलियरी बॉडी। लेबल ही नहीं किया। अटैच टू द सिलियरी बॉडी आर सस्पेंसरी लिगामेंट्स व्हिच होल्ड द लेंस। ठीक है, द लिगामेंट्स एंड द मसल्स ऑफ सिलियरी बॉडी हेल्प इन द एडजस्टमेंट ऑफ द साइज ऑफ। ये ये इंपॉर्टेंट है, बाकी खुद खुद चीजें डाल ली तुमने। स्वरा स्वरा प्रेशा नॉट खुदवा, इंग्लिश नॉट खुद। एडजस्ट रिमूव या टेक्निक। नीचे वैसे हाँ रहती है, उसको उसके पास न्यूरॉन्स है, जस्ट लेयर्स है, उसका पूरा टाइम काम चालू रहता है। इवन इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग द रेटिना इज वर्किंग। क्या कोरोइड? हाँ कलर रहता है, यस। आयरिस, हाँ आयरिस कोरॉइड से बनता है, एक्सटेंशन है वो। हाँ तो कोरॉइड से ही आयरिस बन रहा है ना, वही तो बोल रहे कि तीन पार्ट है। हाँ एक्वियोस्यूमर आगे रहता है, इधर वेटरसूमर यहाँ रहता है। इन दोनों ह्यूमर इसको मेंटेन करके रखते हैं, उसका शेप, उसका न्यूट्रिशन। हाँ ये दो चीज। जैसे कोरोइड यहाँ से आया, यहाँ पे एक सिलियरी बॉडी बनाया, यहाँ पे आयरिस बना दिया, यहाँ से ये लिगामेंट्स को सस्पेंड करके रखा। क्या बनाओ? हाँ आयरिस सिलियरी बॉडी के आगे बना बना कोरोइड से। हाँ दिखता है फोविया और रेटिना की वजह से, बट लाइट अंदर लेना लेंस कट ऑन, आपका आईज जो है ना वो आपके डिस्टेंस और लाइट के प्रेजेंस के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट या डायलेट होना चाहिए। वो जब नहीं होता है तब आपको ग्लासेस लगते हैं कि करेक्शन करना, कि क्या होता है समझो, लेंस ज्यादा ब्रॉड नहीं हो पा रहा है, ज्यादा लाइट नहीं ले पा रहा, तो उसका इमेज ना आगे बन जाता है। तो हम ऐसे एक लेंस डालते, ऐसा ये ग्लास डाल देते जिसकी वजह से लाइट वो फिर आपके, हाँ लेकिन यहाँ पे लैंड होता है। जैसे अगर आप वो मायोपी और हाइपरमेट्रोपिया का फोटो देखोगे, हाँ ये था आपको, सो शॉट इन टेंट इन एवरीवेयर। ये देखो नहीं विजन आगे बनता है, सो दैट्स व्हाट यू हैव टू करेक्ट विद द ग्लासेस। हाँ ऑप्टिक्स में भी है ये। आइडियली आपका जो विजन है, जो आपका इमेज है, वो यहाँ पे लैंड होना चाहिए एट दिस वेरी मो एग्जैक्ट प्लेस। यहाँ पे आगे या पीछे हुआ तो आपको ब्लर दिखेगा,
लेंस लेंस बराबर से एडजस्ट नहीं कर पाते। हाँ लेंस ज्यादा ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है या ज्यादा डायलेट नहीं हो पाता है, ये करना पड़ता है। या तो कभी कभी आईबॉल का साइज बढ़ जाता है, कितने लोग का नेचुरली आईबॉल का साइज बड़ा रहता है तो इमेज आगे बनता है। कितने लोग नहीं बचपन से बड़े बड़े ग्लासेस होते हैं वो उसकी वजह से होते हैं, आईबॉल्स बड़े होते हैं लेंस उतना ही रहता है तो ब्लरिंग। और ये आजकल हेरिडिटरी होना चालू हो गया, मतलब सबको ही होना चालू हो गया। द अमाउंट ऑफ फोन्स पीपल आर यूजिंग, बचपन में द बॉडी इज नॉट डेवलप्ड इनफ टू एडजस्ट टू ऑल दीज इमेजेस एंड टैबलेट्स एंड फोन्स, दे जस्ट यूज। हाँ टीवी रहता है, फोन्स रहते हैं, टैबलेट्स रहता है, ठीक है, यू डोंट गिव देम दैट, देयर आईज विल रिमेन जबरदस्त। चलो हम रीड करना चालू करते हैं। रेटिना 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 एंड कोरॉइड दोनों की वजह से आईबॉल पे कलर आता है। नहीं 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 वो नहीं, ब्लाइंड आई बॉल का कलर ये अंदर के कुछ आईबॉल हाउ इज दिस आई बॉल, कुछ बोलो कुछ भी आई बॉल, ये पूरा अंदर का, ये पूरा अंदर का जो बॉल रहेगा जो बाहर का पोर्शन सिर्फ इतना है, ये जो ऊपर का पोर्शन है ना ये सिर्फ बाहर दिखता है, बाकी सब वो तो आपको कॉर्निया है, कॉर्निया आयरिस सेंट्रिपिल नहीं, आई बॉल पूरा अंदर का पार्ट है। कौन सा कलर आपका, कॉर्निया और आयरिस की वजह और प्यूपिल्स की वजह से? नहीं नहीं चेंज, नहीं चेंज, अरे डेफिनेटली चेंज नहीं होता। ये देखो आई थिंक दिस इज बाबू ये देखो श्श, हमने देखा तो सिली रीजन आयरिस, आयरिस आगे आता है ना नीचे, दिस इज द प्यूपिल द ओपनिंग, दिस इज द स्क्लेरा द अपर वाला पोर्शन जो प्रोटेक्ट करके रखा है, कॉर्निया ऊपर, कॉर्निया ऊपर रहेगा इस पूरा यहां से लेकर। क्यों नहीं आप लोग आईबॉल इसको कंसिडर कर लो, ये आईबॉल नहीं है कुछ कुछ, मतलब कुछ भी जेनेटिक क्यों होता है, ऐसा कोई चेंज नहीं कर सकते लेंस लगाए बिना। हाँ वो लेंस ही हो उस क्लेरा पे रहता है। हाँ आपके क्लेरा पे रहता है, क्यों हिलेगा वो? ऑब्वियसली तो नहीं ये आपका आयरिस, आपकी ब्लैक आईज में आपको आयरिस अलग से नहीं दिखेगा, प्यूपिल भी अलग से नहीं दिखेगा, प्यूपिल एक ओपनिंग है जहां से वो लेंस में लाइट जाएगा।
यूपीएस डायलिट होगे तो ज्यादा लाइट जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट होगे तो कम लाइट जाएगा। आपका जो कलर है, जो ये जो मिडिल पोर्शन का कलर, नॉट आई बॉल, दैट इज मिडिल, का कलर इज बिकॉज ऑफ द आयरिस। आयरिस का जो कलर रहेगा वही कलर आपका। हाँ स्क्लेरा जाता है स्क्लेरा। कॉर्निया इज जस्ट अ प्रोटेक्टिव कवरिंग, इट डज मूव, यू कैन कंट्रोल। सराउंडिंग पार्ट, आयरिस के सराउंडिंग पार्ट, क्यों नहीं? आप लेंस पूरी आंख पे लगाते हो? बता रहा हूँ, आप जो लेंस लगाते हो ना वो सिर्फ यहाँ रहता है। अरे भाई माय गॉड, ये पूरा आईबॉल है, दिस इज कंप्लीट आईबॉल। आपका विजिबल पोर्शन सिर्फ इतना सा रहता है, आप लेंस सिर्फ इस पे लगा दो और वो मूव करता है। अरे भाई क्यों नहीं होता है? ये देखो, हाँ आपको पूरा आईबॉल हिल रहा होता है। हाँ पूरा का पूरा आईबॉल हिल रहा होता है। यस, ये जो पोर्शन है, ये जो मसल्स है आईज के अराउंड, ये पूरा का पूरा आईबॉल रोटेट करते हैं। मतलब नहीं, उसमें क्या होता है कि देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ, या तो वो जेनेटिक होता है या फिर ऑक्यूपेशन होता है। अगर आपके आईज पुरानी स्ट्रेन हो रहे होते, आपके आईज के मसल्स टायर्ड या फटीग हो जाते हैं, तो वन सेट ऑफ मसल्स आर नॉट एबल टू यू नो प्रॉपरली कोरिलेट विद द नेक्स्ट वन, सो देन द आईज गो इन अ लिटिल बिट डिफरेंट डायरेक्शन। बट जिसको बचपन से होता है या फिर जेनेटिकली होता है, उसका एक सेट ऑफ मसल्स डज नॉट वर्क एट ऑल, सर्जरी करते वो करेक्ट पोजीशन में नहीं हुआ, मसल मसल अच्छे से बना नहीं हुआ, तो ठीक कर दो सर्जरी से। तुम लोगों को थोड़ा मूवमेंट दिखाना पड़ेगा। रेशा, ये मेरा डाउट नहीं है, ये भूमिका का डाउट है। नो आपका डाउट नहीं, वरना बोलेगा सर ये सब क्यों दिखा रहे। हम वीडियो देखेंगे, वीडियो अगोरा पे पाइए बेस्ट होटल्स इन कमाल के असल प्राइसेस, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दोनों। अगोडा। So what's the difference between the clinically relevant eye movements versus the anatomical function of the difference between the cardinal positions that a person is asked to look to test the variables in which the eye is placed to test the depression and a tertiary action of abduction is up and out. The inferior rectus results in a primary हाँ देखो इसके सराउंडिंग में ऐसे मसल्स रहते हैं। अगर ये ऊपर वाला मसल कॉन्ट्रैक्ट किया तो आप ऊपर देखोगे, नीचे वाला मसल कॉन्ट्रैक्ट किया तो आप नीचे देखोगे, क्योंकि आईज का बॉल्स नीचे पुश होगा ना।
ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उस साइड आप देखो। हाँ दिस इज हाउ यू मूव गाइस। नहीं, वैम्पायर थोड़ी है, वैम्पायर नहीं। वो आहट में बता देते ना, वो लोग उसकी आंखें से एकदम पतली हो जाती थी, सिर्फ व्हाइट पार्ट दिखता था। बहुत कॉमेडी था वो। अच्छा, सो ऐसे मसल्स की वजह से ये आई कोऑर्डिनेट होता है। ओके बच्चों, ओके प्रेशर एंड समझा आपको? ठीक है, चलो आगे बढ़ते। जवाब दो, जवाब क्यों नहीं देते? बड़ा हम आईज पढ़ लेते हैं। आईज आर अ पेयर ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स द लोकेटेड इन द ऑर्बिट ऑफ स्कल। स्कल में एक सॉकेट होते हैं दो, वहां कुशन ऑफ फैट अराउंड देम। ईच आई इज स्फेरिकल एंड कॉल्ड आई बॉल। द आईज आर प्रोटेक्टेड बाय बोन्स, आईब्रोज, अपर एंड लोअर आईलिड्स विद आई लैशेज विद अ लैक्रिमल टेर ग्लैंड। यहाँ पे रहते लैक्रिमल ग्लैंड आपके। पिंक पोर्शन आपको दिखेगा ना, एकदम गौर से देखोगे ऐसा करके साइड पे थोड़ा बल्जी, दैट इज अ लेक्टिन। उसमें से आपके टप 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 क्या? हर जगह से नेक्स्ट टाइम आप नोट करना, रोते वक्त ना ऐसे खड़े हो जाना है, ये देखता देखता काज देखता देखता देखता। मूवमेंट ऑफ द आई बॉल विद इन द ऑर्बिट इज कंट्रोल्ड बाय सिक्स सेट ऑफ मसल्स, जो हमने मसल्स देखा था वही। वॉल ऑफ द आई बॉल इज मेड अप ऑफ थ्री लेयर्स, स्क्लेरा, कोरॉइड, रेटिना। स्क्लेरा बाहर, कोरॉइड अंदर, रेटिना सबसे अंदर। स्क्लेरा, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर मेड ऑफ डेंस फाइब्रो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू विद कोलाजन फाइबर्स। इट प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू द आई बॉल मसल्स। हमने देखा था ना ये आई बॉल मूव होता है, वो स्क्लेरा पे अटैच होकर मूव होता है। एंटीरियर थिक ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ स्क्लेरा इज कॉल्ड कॉर्निया। कॉर्निया हम जो देखते ही है ऊपर का व्हाइट पोर्शन। इट इज स्लाइटली बल्ज आउट फॉर फोकसिंग लाइट ऑन द रेटिना। द स्क्लेरा इज प्रोवाइडेड विद ब्लड वेसल्स, हाउएवर द कॉर्निया इज डिवाइड ऑफ देम। आपको जो साइड्स पे जो वेसल्स दिखते हैं ना, वो स्क्लेरा की ब्लड वेसल्स है, कॉर्निया तक नहीं आते। कॉर्निया इज नरिश्ड बाय एक्वियस ह्यूमर एंड ऑल्सो बाय लैक्रिमल सेक्रेशन। द एक्सपोज पार्ट ऑफ द स्क्लेरा एंड द एंटायर कॉर्निया आर कवर्ड बाय अ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन इज कवरिंग कॉल्ड, ये सूख जाता है उसमें। इट प्रोवाइड्स कंजक्टिवाइटिस। हाँ के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट कवर आपने है। यस मिथ तो है। इट ट्रैवल्स वेरी रैपिडली इज व्हाट आई हैव सेड। जैसे आप ब्लिंक करोगे ना तो उसका जो इन्फेक्टिव पार्टिकल्स है ट्रैवल्स वेरी रैपिडली, इट कैन स्प्रेड वेरी फास्ट। ऐसे आप ऐसा हाथ लगाओगे, हाथ लगा के कहीं और रख दोगे, ये जिसको किसी और हाथ लगा उसको हो जाएगा। दैट्स हाउ फास्ट इट स्प्रेड। इसलिए बोलते कि आप चश्मा पहने तो आपका हाथ जाएगा नहीं, आप ब्लिंक करोगे तो थोड़ा फैलेगा नहीं, देखने से नहीं जाता। वो इतना फास्ट फैलता है कि ऐसा लगता है कि देखने से आ रहा है। कोरॉइड एंड फोविया, इट इज द मिडल वैस्कुलर एंड पिगमेंटेड लेयर। इट इज नॉट अ कंप्लीट लेयर एंड कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन्स, कोरॉइड प्रॉपर, सिलियरी बॉडी
आइरिस। कोरोइड प्रॉपर आपका ये पीछे का है, रीजन है यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक जो सराउंड करता है। इट लाइज द स्क्लेरा ड्यू टू पिगमेंटेड नेचर, इट प्रिवेंट्स इंटरनल रिफ्लेक्शन, द ब्लड वेसल्स ऑफ कोरोइड प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू द रेटिना। सीलियरी बॉडी इज अ थिक मस्कुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर एट द जंक्शन ऑफ कोरोइड एंड आयरिस। जहाँ पे आयरिस स्टार्ट होगा, जहाँ पे कोरोइड खत्म होगा, वहां पे ही आएगा। ये क्या करेगा? अटैच टू सीलियरी बॉडी आर सस्पेंसरी लिगामेंट्स व्हिच होल्ड द लेंस। द लिगामेंट्स एंड मसल्स ऑफ द सीलियरी बॉडी हेल्प इन द एडजस्टमेंट ऑफ द साइज ऑफ द लेंस। ये दिस पोर्शन इज द सीलियरी बॉडी। यहाँ पे सस्पेंसरी लिगामेंट विल होल्ड द लेंस। Iris at the junction of the sclera and cornea, the vascular part of the choroid sharply bends into the cavity of the eyeball, forming a thin and colored portion called iris. जो आप देखते हो ना, आपका लेंस का कलर वो। It is perforated in the middle by an aperture called pupil. Smooth muscles of the iris helps in regulating the size of pupil. Depending on the intensity of light and entering the eyeball, the pigment on the iris determines the color of the. और लाइट की बेसिस में हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, या लाइट कम। मैं अमिताभ बच्चन हूं, मैं तो कोई इतना दर्द दूर बोलता हूँ। उसका कोई आइस से रिलेशन ही नहीं, वो शर्म है, शर्म आइस का कोई रिलेशन नहीं। ऐसा नहीं है जैसे झूठ बोलने जा रहे हो, आई नीचे टपक जाएगी। इंडिकेशन देता हूँ बेटा, दर्द नहीं होगा ना? नहीं होगा आंटी, नहीं होगा। निकाल तो बहुत दर्द हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। मैं भी यही करता हूँ, मैं भी मेरे डेंटिस्ट का हाथ पकड़ लेता, नहीं कराने का। मेरे कोई वाइब्रेशन मेरे से सेंस नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है तो ड्रिल कर रहा है। हाँ मैं और ऑनेस्ट ओपिनियन दूँ,
चलो विल रिज्यूम, हम आते, हम कहाँ थे? हाँ यस यस यस, हम लेंस पे थे। लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट इलास्टिक बाइकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर। इट इज सस्पेंडेड इन द आईबॉल बाय सस्पेंसरी लिगामेंट्स। द लेंस एंड द सस्पेंसरी लिगामेंट्स डिवाइड द कैविटी इन द आईबॉल इनटू अ एंटीरियर स्मॉल पोर्शन एंड अ पोस्टीरियर लार्ज पोर्शन। ठीक है। इट मेंटेन्स शेप ऑफ द आईबॉल एंड मेंटेन्स प्रेशर फॉर कीपिंग द लेंस इन पोर्शन। सस्पेंसरी लिगामेंट्स एंड लेंस दोनों। फिर आते हैं रेटिना। रेटिना सबसे इंपॉर्टेंट क्योंकि रेटिना के पास ही वो रॉड्स और कोन्स है। पर रेटिना पे सारे जगह पे सब कुछ है एक्सेप्ट फॉर द ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट ऐसा है जहाँ पे कोन्स नहीं है, रॉड्स है, कोन्स नहीं है, कलर्ड विजन नहीं दिखता उधर। वहां पे लाइट लैंड करेगा वो ओपनिंग पे, वहां कुछ नहीं दिखेगा। वहां से सब नर्व्स एग्जिट होते हैं। ये देखो ये जो ब्लाइंड स्पॉट है ये है, यहाँ यहाँ से तो एग्जिट होता है ना, यहाँ कौन कहाँ से लगे? तो यहाँ नहीं, यहाँ पे अगर लैंड हुआ रहते कौन नहीं है, कौन कलर्ड विजन, रॉड्स नाइट विजन, कौन कलर्ड। नाइट ब्लाइंडनेस का ऐसा रहता है कि व्हेन यू वॉक इनटू अ डार्क रूम योर रॉड स्टार्ट बिकमिंग एक्टिव एंड दे अडैप्ट टू द सराउंडिंग। दे स्टार्ट टेकिंग इन मोर लाइट। एपर्चर बढ़ जाता है आपके प्यूपिल्स का, एपर्चर बढ़ जाता है, लाइट जो जितना से भी थोड़ा सा लाइट रहता है वो ज्यादा अंदर आता है। उसको करने में कम से कम टाइम लगता है, 2 मिनट लगता है। आप डार्क रूम में एंटर करोगे 2 मिनट बाद आपको थोड़ा देखना चालू है, वो 2 मिनट एक्सटेंड हो जाते हैं नाइट ब्लाइंडनेस के। रॉड्स इतना जल्दी वो कवर अप नहीं कर पाते। नहीं, मतलब आपको रूम में जाने के बाद अगर आपको नाइट ब्लाइंडनेस नहीं है तो आपको 2 मिनट में सब थोड़ा दिखना चालू होगा, आपको 10 मिनट लगे ऐसे। हाँ तो नहीं, 10 मिनट तक बहुत लेट हो गया ना। थोड़ा द रॉड्स आर नॉट एबल टू, द रॉड्स बनी नहीं बराबर, इसलिए विटामिन ए चाहिए था। इस रिवर्स बाय विटामिन ए। हमारे कंट्री में विटामिन ए एक टाइम पे बहुत कम था डाइट में, तो वो लोग ने ऐसा राइस बनाया जिसमें विटामिन ए डाल दिया है, दैट इज गोल्डन राइस। आता है लिखा हुआ था पैकेट किसमें विटामिन ए है। इट इज द इनर मोस्ट डेलिकेट नॉन वैस्कुलर लाइट सेंसिटिव लेयर। इट हैज टू रीजन, सिंगल लेयर ऑफ पिगमेंटेड नॉन सेंसरी पार्ट लाइनिंग द आयरिस एंड द सिलियरी बॉडी। जो एंटीरियर पोर्शन है उधर तो जरूरत नहीं है ना सेंसरी नर्व्स का, जहां पे रेटिना आयरिस और लेंस की साइड, यहाँ पे रेटिना में तो कुछ जरूरत है ही नहीं। तो सेकेंड पोर्शन इज द सेंसरी पार्ट लाइनिंग द कोरॉइड, जो बाकी का पूरा आईबॉल है उसको सराउंड करने वाला। इट हैज एन आउटर पिगमेंटेड पार्ट एंड एन इनर नर्वस पार्ट। मतलब आउटसाइड के पोर्शन में से पिगमेंट्स रहेगा, अंदर नर्व्स रह गए, रॉड्स एंड कोन्स है ना। है रेटिना येलो कलर है। इनर नर्वस पार्ट इज ट्रांसपेरेंट एज मेड एंड मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। आउटर फोटो सेंसिटिव लेयर मेड अप ऑफ रॉड एंड कोन सेल्स, द मिडल लेयर ऑफ बाइपोलर नर्व सेल्स एंड इनर लेयर ऑफ गैंग्लियन सेल्स। इधर डायग्राम दिया नेक्स्ट पेज पे उसका। ये देखो ये सबका स्क्लेरा, ये कोरोइड, ये एपिथीलियम, उसके बाद ये पिगमेंट्स वाला लेयर, ये नर्व्स वाला लेयर और फिर ये गैंग्लियन वाला लेयर, नर्व बीच में ये बाइपोलर सेल। सो देयर आर 3 लेयर्स। आप डायग्राम देखो, देखो द आउटर फोटो सेंसिटिव लेयर मेड अप ऑफ रॉड एंड कोन सेल्स, रॉड एंड कोन सेल्स का लेयर दिख रहा है एपिथीलियम के ऊपर, मिडल लेयर ऑफ बाइपोलर नर्व सेल्स, ठीक है, एंड इनर लेयर ऑफ गैंग्लियन सेल्स। समझा? तो वो नीचे से ऊपर आउटर टू इनर जा रहा क्या। नहीं,
बिल्कुल भी नहीं। देखो ये आप लेयर को अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे ना तो कुछ ऐसे दिखेगा, आपका स्क्लेरा दिखेगा, फिर कोरोइड दिखेगा, फिर रेटिना दिखेगा, फिर आपका आएगा रॉड एंड कोन सेल्स, फिर बाइपोलर, फिर गैंग्लियॉन। मेरा क्वेश्चन है कि नॉन सेंसरी पार्ट है, नहीं सेंसरी पार्ट के दो पार्ट है ना, ऑटोसिग्मेंटेड और इनवर्टेड, इधर हाँ ये सेंसरी पार्ट के तीन तीन लेयर्स हैं। तो 3 लेयरों से सेंसरी के सब हाँ, द ब्लाइंड स्पॉट इज एन एरिया डायगनली ऑपोजिट टू द लेंस। इट इज द एरिया ऑफ रेटिना फ्रॉम वेयर द ऑप्टिक नर्व एंड ब्लड वेसल्स लीव द आईबॉल। देर आर नो रॉड्स एंड कोन्स। हाँ दोनों दिया, दोनों भी नहीं रहते। एन एरिया लैटरल टू द लैटरल टू एंड अबोव द ब्लाइंड स्पॉट इज कॉल्ड द येलो एरिया ऑफ मैक्युलर ल्यूटिया। एट इट्स सेंटर एक फोविया रहता है, इज अ डिप्रेशन कॉल्ड फोविया सेंट्रालिस। इट हैज मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ कोन सेल्स एंड इज द प्लेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द शार्पेस्ट विजन। आपको अगर शार्पेस्ट विजन चाहिए तो आपका लाइट इधर लैंड होना चाहिए, मैकुलर ल्यूटिया पे, फोविया पे। ये डिप्रेशन है ना इधर। ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर होता है, ब्लाइंड स्पॉट यस किधर है, नीचे ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर नहीं। द रॉड्स एंड कोन सेल्स लाई डीप इन द रेटिना सो दैट लाइट हैज टू पास थ्रू द गैंग्लियन एंड बाइपोलर सेल्स बिफोर रीचिंग देम। ठीक है फिर आते हैं फोटो रिसेप्टर सेल्स पे। रॉड्स एंड कोन सेल्स दे कंटेन लाइट सेंसिटिव प्रोटीन्स टर्म्ड एज फोटो पिगमेंट्स। द कोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डे लाइट विजन एंड कलर विजन व्हाइल द रॉड्स फंक्शन इन डिम लाइट स्कोटोपिक एंड फोटोपिक। द पर्पल लेड प्रोटीन रोडोप्सिन, रोडोप्सिन बनता है विटामिन ए से, इज प्रेजेंट इन द रॉड्स व्हिच इज अ विटामिन ए डेरिवेटिव। द कोन्स आर ऑफ थ्री टाइप्स व्हिच कंटेन देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक फोटो पिगमेंट दैट रिस्पॉन्ड टू रेड ग्रीन एंड ब्लू लाइट। आरजीबी, आरजीबी सुना रहेगा आपने, आरजीबी आर द कोर लाइट्स। आरजीबी से ही सारे लाइट बनते हैं मिक्स करके के करके। आरजीबी पहले आरजीबी वाले डिस्प्ले आते थे, पहले जो लाइट्स आते थे आपके एलईडी आते थे वो आरजीबी आते थे, क्योंकि वो आरजीबी से ही बाकी कलर्स बनते थे। आप आर यस वहां से लाइट आया वो ये कलर का आया। आपके पास सेंसर सिर्फ आरजीबी के ही है, पर जो टाइप का कलर आएगा उस हिसाब से वो कलर का इंटरप्रिटेशन नर्व्स को देगा, वो आरजीबी के हेल्प से, सिर्फ आरजीबी के हेल्प। हाँ तो ग्रीन और ये मिक्स कर दो, हाँ ग्रीन और ब्लू मिक्स करो थोड़ा येलोइश मिलेगा, वो आपके नर्व को देगा ये मिक्स करके। हाँ मैं कुछ रेड ग्रीन और ब्लू इंटरप्रेट नहीं हो पाता तो वो आरजीबी प्रेजेंट नहीं रहता ना वो। हाँ वो ये मतलब जो जीन पे ये पिगमेंट बनने वाले होते हैं वो जीन्स पे ये डिफेक्ट रहता है कि ये कलर वाले पिगमेंट बन ही नहीं पाते, ग्रेइश दिखेगा सर। हाँ हाँ तो वही तो टेस्ट करते हैं, रेड ब्लू ग्रीन आपके सामने रख देंगे, आप अगर डिफरेंशिएट नहीं कर पाए तो कलर ब्लाइंड हो आप। हाँ दैट इज फुल कलर ब्लाइंड, कुछ भी सब कुछ ग्रे दिख। आई एम नॉट श्योर अबाउट। चलो आगे फोविया है वो, लोविया नहीं फोविया है। हाँ जूनी बुक्स में लोविया है। देखो द सेंसेशन ऑफ व्हाइट लाइट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू साइमल्टेनियस इक्वल स्टिमुलेशन ऑफ दीज थ्री टाइप्स ऑफ कोन्स। व्हाइट लाने के लिए सब कलर्स मिक्स करना पड़ता है आपको पता होगा। जैसे तो द ऑप्टिक नर्व कंसिस्ट ऑफ फाइबर्स अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ गैंग्लियन सेल्स। इट लीव्स द आईबॉल फ्रॉम द पोस्टीरियर साइड एंड कैरीज विजुअल इंपल्सेस फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन। From all three types of bones. यहाँ से आएंगे Yes. ओ हाँ भी ऑफिसर तो बाहर निकलना है, ये अंदर ले जाओ निकला ना भाव? नहीं 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 पहले गैंग्लियन फिर बाइपोलर फिर रॉड्स एंड कोन्स। यहाँ पे है।
है, जेनरेशन ऑफ इमेज द लाइट रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पास थ्रू द कंजक्टिवा कॉर्निया थ्रू द प्यूपिल अपॉन द लेंस एंड इज फोकस्ड ऑन द रेटिना टू फॉर्म एन इमेज इफ द इन द विजुअल एरिया ऑफ सेरिब्रम द नर्व इंपल्सेस आर एनालाइज्ड एंड द इमेज फॉर्म इज रिकॉग्नाइज्ड। आई होप वो तो आपका साइकोटिक डिफेक्ट है, आप इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे। ऑटिज्म, डिसलेक्सिक, ये सब सारे पेशेंट्स के सेंसरी इनपुट्स चल रहे होते हैं पर उनका ब्रेन कुछ भी चीज इंटरप्रेट नहीं कर पाता। जैसे कोई कोई लोग ऐसे स्पीड इंटरप्रेट नहीं कर पाते, कोई कोई लोग ऐसे डिस्टेंस इंटरप्रेट नहीं कर पाते। तारे जमीन पर देखा है, वो आमिर खान एक्सप्लेन करता है कि वो ईशान को देखने का प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ने का प्रॉब्लम नहीं है, उसको इंटरप्रेट करने का प्रॉब्लम है। वो स्पीड जज नहीं कर पाता है, वो कोरिलेट नहीं कर पाता है, वैसे एक फ्लो में पढ़ नहीं पाता है, वो उसका डिफेक्ट है। पढ़ना उसका डिफेक्ट नहीं है, पढ़ता है बट उसका ब्रेन सही से इंटरप्रेट नहीं कर पाता। यू कैन ट्रेन द ब्रेन। डिसलेक्सिया इज अ वेरी जनरल वर्ड। क्या स्टार्टिंग स्टार्टिंग में हो तो दैट इज ओके। अब जैसे एक्सलेटर पैर रखोगे वैसे तो गाड़ी नहीं सीखोगे ना, थोड़ा फोका पीटी करोगे। चलो बाय बाय स्वरा एंड प्रिशा। अब ये